करता हूँ और दर्शन करते ही मेरा रोम रोम फील होता
और आनंद में प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना। बोले तुम्हारी गीता पढ़ना सही दिवाल सुन लो, इसलिए माला बंद हो। गुरुदेव कथा के रस में माला नहीं करनी, इसलिए बोले केवल सुर ताल रहे ही सब कुछ नहीं है। क्या बोल रहे? बोले भाव बोल रहे, बोल रहे भाव ग्राही जनार्दन। इसलिए उनका जो 70 नंबर उपदेश है, बोले नाम कीर्तन कारी अन्य अभिलाष भजन करित हवे कृष्ण, कीर्तन कारी त्रिनाथ भी सुनिचि हत हवे अमानी मानत होते हवे। कहते भगवान का जो हम नाम जप कर रहे हैं, हम तो नाम जप कर रहे हैं लेकिन प्रश्न है फिर हमें फल क्यों नहीं मिलता है। फिर भगवान के नाम करने से हृदय का सारे अनर्थ दूर हो जाएगा, भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, भगवान का नाम चिंतामणि, भगवान का नाम चिंतामणि जो माँ को वही देता है। महाप्रभु बोले, प्रभु बोले पहला के ही महामंत्र यह जप किया सबे करी आगे बंद। यह इतने सर्व सिद्धि है वे सवार सर्वक्षण बोल इतने विघ्न आया। महाप्रभु कहते हैं अगर कोई हरिनाम करेगा तो सर्व सिद्धि, बोले सर्व सिद्धि क्या, सर्व सिद्धि मतलब क्या, बोले सर्व सिद्धि मतलब कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण दर्शन, कृष्ण प्रेम उनको प्राप्ति होगा। अभी हम इतने हरिनाम कर रहे हैं अभी क्यों नहीं हो रहा है, कभी ये क्यों नहीं हो रहा है, बोले कारण है जैसे हरिनाम करनी चाहिए हम वैसे हरिनाम नहीं कर रहे हैं, वैसे हरिनाम नहीं करते, इसलिए हरिनाम का जो वास्तव फल हमें नहीं मिलता है। इसलिए कैसे हरिनाम करनी चाहिए, बोले अन्य अभिलाष होते केवल कृष्ण की खोज के लिए, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, गुरु वैष्णव कैसे प्रसन्न होंगे, केवल इसी भाव को रख करके हरिनाम ग्रहण करनी चाहिए। और कृष्ण कीर्तन करने के लिए बोले चार ही गुणे गुणी हरिया तरह कीर्तन करने के लिए चार गुण आनी चाहिए तभी ये कीर्तन सही होगा। बोले चार गुण क्या है, बोले त्रिनाथ भी सुनी चाहिए, त्री मतलब घास से भी ज्यादा दीन निपन, जैसे घास को बड़े चलो प्यार करते ही सर तो नीचे हो जाता है लेकिन प्यार ज्यादा तो सर ऊपर हो जाता है, नहीं उससे भी ज्यादा दीन निपन। दूसरा गुण क्या, बोले तरो रपी सहिष्णुना, तर मतलब होता है वृक्ष, बोले वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील हो, जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे। जैसे रास्ता में चल रहे हैं किसी वृक्षों को नीचे है, किसी वृक्षों को देखे सुंदर गर्मी है, वृक्षों को नीचे बैठे बैठने के लिए सोचा लेकिन कोई आसन नहीं, वृक्ष का टहनिया तोड़ लिया और नीचे बिछा कर बैठ गए, उसका अगर टहनिया हमने तोड़ लिया लेकिन वृक्ष ये नहीं करता है तुमने मेरे टहनिया क्यों तोड़ी, तेरे को मैं छाया नहीं दूंगा, वो नहीं बोलता है, वो क्या करता है छाया दे देता है। पेड़ में आम है, उठाया एक पत्थर और मारे, किसको मारे, पेड़ को मारे, लेकिन पेड़ ने क्या किया, फल दे दिया। हम उसको तो मारे लेकिन उसने उल्टा क्या कर दिया, उसने हमें एक सुंदर फल दे दिया। इसलिए पेड़ का जो जीवन है हर समय परोपकार, उसका टहनिया, उसकी तना, उसकी पत्ता देना सब समय परोपकार के लिए, हर समय दूसरे उपकार को लगता है। इसलिए कहते हैं नाम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सहन से होना पड़ेगा, जो नहीं सहन करेगा भक्ति नहीं कर सकता है, भक्ति नहीं कर सकता है। एक समय इसने गुरुदेव को बोला, बोले गुरुदेव मैं मंदिर में नहीं रहूँगा, घर में जाऊँगा, ये तो जंगल में जाकर भजने बनूँ, बोले क्यों क्या हो गया, बोले मेरे को तंग करता है वो, मेरे को तंग करता है वो, ऐसे बोलता है वो, ऐसे बोलता है। गुरुदेव ने कहा अगर जंगल में गया भजन करने के लिए, अगर पेड़ का कि टहनी आपको करके सर पर दिख गया तो पहले उसको क्या बोलोगे, यहाँ पर तो साधु लोग जो बोलेंगे अच्छे के लिए बोलेंगे, हमारी कल्याण के लिए बोलेंगे,
फिर तुम क्या करोगे, फिर क्या करोगे? इसलिए कहते भक्ति करने के लिए आओ, यहाँ तक देवता लोग भी टांग पकड़ करके खींचना चाहते हैं। क्यों? वो सोचते हैं साधारण इंसान और हमारे पैर में सर रख करके देवता स्वर्ग में रहते हैं, और भक्त लोग तो वैकुंठ लोग वृंदावन में जाते हैं, तो इतना ऊंचे पद में चले जाएगा? नहीं, टांग पकड़ कर टांग पकड़ कर खींचो। इसलिए यहाँ कहते हैं क्या करनी चाहिए, सुनी की होकर के हर समय सबके जथा जो के सम्मान को कभी सम्मान की भूखे मत रहा करो, है मेरे को सब सम्मान कर, मेरी वाहवा करे, मेरे नाम पर ताली बजाए, कभी ये इच्छा मत रखो। हर समय क्या करो, दूसरों को सम्मान दो, दूसरों को सम्मान करो तो तुम्हारी सम्मान अपने आप मिलेगा। इसलिए एक 18 नंबर जो उपदेश है, वे शास्त्रों तो महामंत्र परित्याग करिया दुर्जन कल्पित छड़ा पदादी कीर्तन करा अपराध। मतलब कौन सा नाम को हम जप करें, नाम तो बहुत है, कौन सा नाम को हम जप करें, इसको ध्यान रखें, कौन सा नाम को हम जप करें। यहाँ पर कहते हैं शास्त्र में जो बताया गया है नाम करने के लिए, वो है नाम को क्या करो, शास्त्र विरुद्ध जो बताया उसको मत क्या करो। शास्त्र में जैसे जैसे चार युग है, हैं? और चार युग में चार महामंत्र है, कहते श्री चार महामंत्र चार युग में चार महामंत्र है, तो जैसे सतयुग का जो महामंत्र क्या है, क्या है सतयुग का महामंत्र बोलो, यही चीज याद रखो, क्या है महामंत्र नारायण अपराक्षरा नारायण परम तत्ति नारायण परामूर्ति सत्ययुग का तारक ब्रह्म नाम। सत्य युग में लोग यही नाम को जप करके भवर संसार से पार होते थे। तृतीय युग आया, तृतीय युग में क्या बोले, नाराम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे हरि वैकुंठ बाम पात्निया सुनी है। अच्छे तरीके से उसको याद करिए, क्योंकि जब हम कहीं बोलेंगे ना, इसलिए शास्त्र युक्ति होनी चाहिए, कहाँ कहाँ बताया, कई शास्त्र में है कि नहीं, शास्त्र का अर्थ होनी चाहिए। बोले द्वापर युग को जो तारक ब्रह्म है, ओम नमः, इसलिए हरि मुरारी मधुकैटभ भारे गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे जगदेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। ये द्वापर युग का तारक ब्रह्म नाम, बोले कली युग का जो तारक ब्रह्म नाम, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, कली युग का तारक ब्रह्म नाम। इसलिए कहते हैं चार युग का चार महामंत्र है, इसलिए कली युग के लिए यही महामंत्र को लेने के लिए शास्त्र बताया, और कोई नाम नहीं नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जो कल्पित जो छड़ा पदादि कीर्तन करा अपराध, कुछ कुछ लोगों ने अपना मनमानी अलग अलग सब नाम को निकाल दिया, शास्त्र विरुद्ध शास्त्र सिद्धार्थ जो नहीं है अलग मन कल्पित कुछ बोले वो नाम नहीं करनी चाहिए, शास्त्र जो बोला उसी नाम को हमें करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं श्री कलयुग पावन अवतारी श्री गौरांग महाप्रभु स्वयं जे महामंत्र कीर्तन करिया छे, वो कली युग उद्धारार्थ प्रचार करिया छे, वहा परित्याग करिया केनो केनो। बस श्रीमान चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये हरिकृष्ण महामंत्र को
श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी हरिनाम किया है। क्यों? बोले कली युग की उद्धार करने के लिए है, उद्धार करने के लिए ये नाम को स्वयं भगवान ने स्वयं ये नाम को उच्चारण किए। इसलिए क्या अपना मनमान ढंग से किए? बोले नहीं, बोले कली संतरण उपनिषद से है और विभिन्न पुराण से जो बताया गया उसी नाम को उन्होंने लेकर के उन्होंने नाम दिया है। लेकिन परिवर्तित परवर्ती समय को कोई अलग अलग नाम निकाल, बोले कौन सा नाम है? शायद प्रभुपाद के समय में एक नाम था, बोले हर कुसुम हर कुसुम। ये कोई एक संप्रदाय था, वो एक नया नाम को निकाल के था, बोले हर कुसुम हाँ, इसको ही कोई जप करता था। और कोई नाम हरि ओम कोई ये नाम को करते थे। और फिर हमारे गौरी संप्रदाय में भी कहने वाले कोई कोई कहते थे निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, कोई कहते थे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, कोई कोई ये नाम को भी क्या करते थे। कोई कोई करते थे हरिहस्त चंद्रपूत हकीट पतन, ये भी एक नाम किसने उसी समय में इसको नाम करते थे। और उसको जो संप्रदाय में हैं और भी अलग अलग सब नाम हैं, अलग 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 नाम से बनाए हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं इत्यादि बहु प्रकार मानव कल्पित छड़ा बता दी जब कीर्तन भरे, किंतु यह द्वारा शास्त्र और गुरुलंघन जनित अपराध है, कोनो मंगल है ना। इसलिए कहते कोई कोई व्यक्ति है बहु प्रकार तरह तरह का नाम को मनमानी नाम को निकाल करके ये नाम को कीर्तन करते हैं, किंतु इसको द्वारा कहते शास्त्र लंघन गुरु उपदेश को लंघन ये अपराध है, इसको द्वारा जीव का मंगल नहीं होता। इसलिए जब किसी विषय में अनंत संहिता का प्रमाण, बोले अनंत संहिता क्या बताए? अनंत संहिता बताए बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे षोडशतानि नामानि द्वात्रिशत वर्णकानि कलौ युगे महामंत्र सन्मत जीवतारिणि। ये अनंत संहिता का इसमें क्या कह रहे हैं? बोले षोडशतानि नामानि, कहते इसमें जो सोलह नाम और उसमें 32 अक्षर है, सोलह नाम 32 37 वर्ण का निधि। तथा ये जो सोलह नाम और जो 32 अक्षर है द्वात्रिशत वर्ण का निधि, बोले कलौ युगे महामंत्र, ये कलयुग का यही महामंत्र है। बोले सन्मत जीव कार्य, कहते जीव को उद्धार करने के लिए यही शास्त्र विचार है, इसलिए इसी मंत्र को ही जप करनी चाहिए। बोले और क्या बताए? बोले वर्जयित्वा तु नामैतत् दुर्जनैः परिकल्पितं शान्तबद्धं सुसिद्धान्तं विरुद्धं नाभ्यस्येत् पदम्। तभी जो स्वर्णनाम 32 अक्षर है भगवान का महामंत्र, ये नाम को जो वर्जन करके दुर्जनैः परिकल्पितं, बोले दुर्जन को द्वारा जो कल्पित तो जो नाम है, अगर ये इसको अगर कोई कहेगा अपने छात्र बद्धम है, जैसे कोई छात्र छात्र बद्ध है एक विश्व सिद्धांत विरुद्धम ना फिर से पदम, कभी भी ये पद को ये सिद्धांत विरुद्ध पद को खबरदार कभी इसको अभ्यास नहीं करना, ये नाम कभी नहीं करना है। और बोले तारकम ब्रह्म नाम ब्रह्मणा दुर्गादिना कली संतरणाद्यासु श्रुतिस्वधीगतम हरे। इसमें कह रहे हैं कि जो तारक ब्रह्म जो महामंत्र है वो आया कहाँ से? बोली ये भगवान पहले ब्रह्मा जी को दिया, अब ब्रह्मा जी श्री नारद जी को दिया,
तलीयत ब्रह्म शिष्य न नारद देवता। इसलिए जैसे तली संतन उपनिषद ने बताया ये गुरु परंपरा के माध्यम से धीरे 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 भगवान का नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र धीरे धीरे इसी जगत में आया है। इसलिए धीमता प्राप्त ब्रह्म शिष्येन नारदेन धीमता नामय तद्दो उत्तम श्रत्व पारंपर्येन ब्राह्मण। प्रभु जी कथा में जो कथा हो ना आधे कथा होती है ये पूरा दिन के ना जीतने वाले हैं नहीं तो मंत्र छोड़कर घर में भाग जाएंगे। इसलिए इसलिए आप लिखे बड़े हो धीरे धीरे हम चाहते हैं इस चीज को सुनेंगे बड़े अच्छी बात है नहीं तो कोई व्यक्ति कोई बात बोल दिया ना मुंह बंद हो जाएगा कुछ बोल नहीं पाएंगे फिर अपना संप्रदाय का प्रति हमारी अविश्वास बोले कि वहां मुद्रे कहाँ से कोई लोग अलग निकाल दिया कोई अलग तो ठीक है फिर आप क्या प्रमाण दो चुप मुंह चुप है कुछ बोल ही नहीं पाएंगे आप। इसलिए सब चीज को सुनेंगे तो आप कहते थे अपना महामंत्र का प्रति दृढ़ होता है नहीं तो बड़े डमाडोल होता है इधर जैसे तैसे बह जाएगी इधर उधर हम बह जाएंगे इधर उधर। इसलिए यहाँ पर कहते बोले उत्सृज्य तन महामंत्र जे त्वन्यात् कल्पितं पदं महानामे गायति ते शास्त्र गुरुलंघन। जो व्यक्ति की जो गुरु परंपरा के द्वारा की जो हरिकृष्ण महामंत्र आया है अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र कोई परित्याग कर उत्सृज्य इसको परित्याग करके जो महामंत्र को ये त्वन्यात् कल्पितं पदं जो व्यक्ति ये कल्पित पद सोना नहीं जो जो ये कल्पित पद को एकदम आग बल कर आग बंद कर इसलिए ये जो कल्पित पद को जो ग्रहण करते हैं क्या बोले महानामेति गायति ते शास्त्र गुरुलंघन जो इसको गान करते हैं वो क्या है बोले गुरु जी की लंघन गुरु जी की गुरु परंपरा ब्रह्मा जी नारद नारद व्यास ये परंपरा में नाम आया इस हमारी गुरु परंपरा है। अगर इसको परित्याग करके अगर कोई दूसरा नाम ग्रहण करते हैं क्या है बोले गुरु परंपरा को वो उल्लंघन उन्होंने किया है फिर उनका कभी कल्याण नहीं होगा कभी उनका मंगल होने वाले नहीं। बोले दत्तो विरोधम संप्रीतम तादृशम दौर्जनम मतम सर्वथा परिहार्यम स्यात् आत्महितार्थिना सदा। ये अनंत संहिताएं बताया क्या बताया बोले तत्व विरोध संप्रीतम तादृशम दौर्जनम मतम जो कलयुग का जो महामंत्र को छोड़ कर दिए जो दूसरे दूसरे नाम को ग्रहण करते हैं तथा कथित अलग 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 नाम को निकाल करके अलग 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 कोई नाम ग्रहण करते हैं कि तादृशम दौर्जनम मतम वो किसका मत है दुर्जन का मत दुष्टों का मत है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जह शास्त्र विधि सूर्य वर्तते काम चार न सम सिद्धि मापनति न सुखम न खराब इस श्लोक को याद कर लें बहुत अच्छा श्लोक जय शास्त्र विधि हाँ जय शास्त्र विधि सूर्य वर्तते काम चार मतलब शास्त्र का विधि विधान को छोड़ करके जो अपना मनमानी ढंग से चलते हैं न सुखम न परामृत कभी जीवन में उसको सुख नहीं मिलेगा कभी उसको श्रेष्ठ गति भी कभी नहीं मिलेगा उसको श्रेष्ठ गति भी कभी नहीं मिलेगा जो शास्त्र को छोड़ कर अपना मनमानी ढंग से चलने वाले हैं। सर्वथा परिहार्यम मतलब संपूर्ण रूप में वह पद को परित्याग करना स्याद आत्महितार्थ न सदा जो वास्तव रूप में अपना आत्महित अपना कल्याण चाहते हैं वो क्या करे वो सारे पद रास्ता को छोड़ करके शुद्ध गुरु परंपरा में जो मार्ग है उसको अपनाए और उसी हिसाब से चले तभी जीव का परम कल्याण नहीं तो जीव का परम कल्याण नहीं। इसलिए चार युग में है? इसलिए चार युग में चार नाम है चार युग में चार नाम क्या क्या है
बताओ क्या कलयुग का क्या नाम? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा द्वापर युग का हरे मुरारी हाँ याद नहीं हो हरे हरे मुरारी कंसारी ऐसे इसलिए इसको जो याद करना पड़ेगा है ना, कल याद करना ना चार युग का क्या चार महामंत्र है, चार युग का चार महामंत्र कल उसको याद कर कोशिश करना इसको याद करके आने के लिए ठीक है। एक मिनट में ये भी याद कर लिया। अभी जब प्रभुपाद उपसंहार समाप्ति में कुछ उपदेश देते हैं, बोले क्या उपदेश देते हैं, बोले उपसंहार में निवेदन एक है, वैष्णव सद्गुरु चरणाश्रित भक्त साधक महाशय नाम भजन काले श्रीमन महाप्रभु मुखन निषिद्ध। अंतिम में कह रहे हैं कहते अभी साधक को क्या करनी चाहिए है? साधक को जो शुद्ध वैष्णव परंपरा में आए हैं इसलिए क्या करनी चाहिए, तब श्रीमन महाप्रभु जो नाम लिया इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गौरजे लवाई लना इसको भी याद कर लेना, गौरजे लवाई लना सही नाम लाओ आर जत छड़ा नाम दूर रहेगा। मतलब श्रीमन महाप्रभु ने जो नाम लिया है उसी नाम को ही ग्रहण करो, उसी नाम को ही लाओ आर जत छड़ा नाम, मतलब परवर्ती समय में लोगों ने अपना मन कल्पी जो नाम को अलग अलग निकाल दिया दूर लेके जाओ तो दूर में रख दो, तो दूर में रख दो, जो महाप्रभु ने जो नाम ग्रहण किया उसी महामंत्र को ही ग्रहण करो। तद भक्त साधक महाशय नाम भजन काले श्री महाप्रभु मुख निश्रित जो शिक्षाष्टक है महाप्रभु ने कि मुखार के अंदर से क्या लिखी शिक्षाष्टक कहते शिक्षाष्टक का उदाहरण करो। और श्री रूप गोस्वामी है कहते श्री रूप गोस्वामी एक नामाष्टक लिखे बहुत बढ़िया, तो नामाष्टक को क्या करो उसको भी याद करो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जो मन शिक्षा है वो मन शिक्षा को पढ़ाई करो। और सो नियम दशगम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का ग्रंथ है जिसका नाम सो नियम दशगम, मतलब उन्होंने 10 श्लोक लिखे हैं। सो नियम मतलब अपना उन्होंने जो नियम बनाया उसमें विशेष करके राधा रानी के चरण की जो निष्ठा है राधा जी के चरण की निष्ठा को उन्होंने दिखाई है। अगर वो कहते हैं अगर हम सुने कृष्ण वृंदावन में है लेकिन अकेले होने पर भी नहीं जाऊंगा, अगर मैं सुन रहा द्वारका में श्री राधा रानी कृष्ण को साथ में राधा रानी पंख लगा करके मन से भी ज्यादा लघु से वहां पहुंच जाएंगे। राधा रानी के चरण में उनकी जो निष्ठा है जो सो नियम दशकों में उन्होंने बहुत अच्छा जी राधा जी की निष्ठा के बारे में उन्होंने बताया। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर का बोले स्वनियम द्वादशकम इनका तो स्वनियम दशकम 10 श्लोक है, कहते श्री भक्ति विनोद ठाकुर का 12 श्लोक उन्होंने बनाए उनका जो अपना किया नियम था और इस सब ग्रंथों को पढ़नी चाहिए। ए श्लोक समूह अर्थ उपलब्धि सही उच्चारण करिवे कहते सबको पढ़ाई करना पढ़ करके पर पढ़ना नहीं उसमें जो बता रहे हैं महामंत्र में कहते उसमें जो शिक्षाष्टक है रूप गोस्वामी का जो नामाष्टक है सोनियम दशकम रघुनाथ दास गोस्वामी का ग्रंथ कहते क्या करनी चाहिए इसको पढ़ते समय पर पढ़ना नहीं कहते उसमें क्या बताना चाहते हैं उसमें क्या बताना चाहते हैं उसमें ध्यान लगनी चाहिए। उच्चारण करिवे एवं निम्नलिखित श्लोक बोली स्मरण कीर्तन करिवे याते नाम भजने स्प्रिया उत्तर उत्तर वर्धित है। अगर ये सब श्लोक को पढ़ेंगे ना फिर नाम भजन करने के लिए नाम भजन करने के लिए हृदय में उत्तर उत्तर स्प्रिया जागृत होगा और भी अच्छे तरह से नाम करे और भी अच्छे तरह से नाम करे नाम का हम ठीक ठीक से करें कैसे वर्धित है
अनति विलंबय साधक अपराध मुक्तया सीनामे प्रभु प्रति और प्रीति लाभ करते पारिबे। अगर ऐसे कोई हरिनाम करना तब अनति विलंबय मतलब जल्दी से जल्दी साधक क्या होगा कहते सारे अपराध से मुक्त होकर के क्या करेंगे भगवान के नाम का प्रतिरति और प्रीति लाभ करिवे। नाम का प्रति हमारी रति तो नाम प्रति हमारी प्रीति होगा है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मानंदे हरि हरि बोल।